Hello dear kids, assalamu alaikum to all and a very good morning. I hope you all are fit and fine. Umeed hai aap sab khairiyat se honge, acche se honge, maze kar rahe honge. To beta aap ek kaam karo, aaj jo hamara subject hai, that is numeracy skills. Aaj hame padhna hai numeracy skills. To aap ek kaam karo, aap apni book jo hai, uska page number 11. निकालें. उस पे दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइट. कॉन्सेप्ट ऑफ हैवी एंड लाइट. डियर किड्स, डू यू नो सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी लिफ्टेड इजिली व्हाइल एज अदर्स कैन नॉट. आपको पता है कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम आसानी से उठा सकते हैं, हाथ में उठा सकते हैं. वी कैन कैरी दीज थिंग्स इजिली. हम उनको लिफ्ट कर सकते हैं, हम उनको उठा सकते हैं इजिली. इजिली मीन्स आसानी से हम उनको उठा सकते हैं. व्हाइल एज अदर ऑब्जेक्ट्स, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट बी लिफ्टेड इजिली, जिनको हम आसानी से उठा नहीं सकते हैं, लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. डू यू नो व्हाई? आपको पता है क्यों? बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वेट. डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वेट मीन्स मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं उनका जो वेट होता है, उनका जो वजन होता है वो डिफरेंट होता है, वो मुख्तलिफ होता है. सम आर मोर इन वेट. कुछ चीजें ज्यादा भारी होती है, ज्यादा उनका वजन होता है. एंड सम आर लेस इन वेट. कुछ चीजें होती हैं जिनका वेट उतना नहीं होता है, जिनको हम इजिली कैरी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आपकी बुक में दो राइनोज दिए गए हैं. क्या दिए गए हैं? टू राइनोज. दिस इज राइनो एंड दिस इज अनदर राइनो. तो दो राइनोज दिए गए हैं. आपको लग रहा है इनमें कुछ फर्क है? यस. जो ये वाला राइनो है ये आपको हैवी दिखेगा. क्यों, कैसे दिखेगा? देखिए, ये है पेरेंट राइनो. क्या है? पेरेंट राइनो. और ये है बेबी राइनो. बेबी राइनो, आपको पता है बेबी किसको कहते हैं? बेबी कहते हैं बच्चे को, और पेरेंट कहते हैं माँ बाप को. तो अगर आप भी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मॉम है, आपके जो डैड है, आप उनसे, आप उनके बेबी हो ना, आप उनके बेबी हो. तो अगर हम देखेंगे आपके जो मॉम है, आपकी जो मॉम है, आपके जो डैड है, वो आपसे वजन में ज्यादा है, वजन में ज्यादा है. अगर हम उनको, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उनको उठाने की कोशिश करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो हम नहीं उठा सकते हैं. लेकिन जो बेबी होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको हम इजिली उठा सकते हैं. ये क्यों है? क्योंकि ये जो राइनो है इसका जो वजन है, इसका जो वेट है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस राइनो, एज कम्पेयर टू बेबी राइनो. क्योंकि बेबी अभी छोटा है तो इसका वजन कम है, इसका वजन कम है. आई विल ट्रेस सम एग्जाम्पल्स हियर. डियर किड्स, लुक हियर. दिस इज अ बुक. दिस इज अ बुक. आप देखिए बुक है. एंड दिस इज अ पेपर. दिस इज अ पेपर. तो आप मुझे बता सकते हो जो बुक है अगर हम इसको लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ओ तो ये जो है इसका जो वजन है ये थोड़ा ज्यादा है, और इसको अगर हमें लिफ्ट करना होगा तो हमें दोनों हाथों से इसको पकड़ना होगा क्योंकि इसका जो वेट है वो ज्यादा है. अगर हम अब इस पेपर को देखेंगे, ये पेपर जो है तो ये पतला भी है, बहुत थिन है, तो इसका वेट हम इसको इजिली कैरी कर सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूंगी जरा ये पेपर इधर लाओ, तो आप इजिली इसको ला सकते हैं. आप इस पेपर को इजिली ला सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसका वेट कम है, क्योंकि इसका वेट कम है. अगर हम बुक को देखेंगे तो बुक को उठाने के लिए आपको आपको दो हाथ लगेंगे इसको उठाने के लिए, क्योंकि ये मोटी भी बुक है, थिक बुक है, तो इसका वजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पेपर, एज कम्पेयर टू दिस पेपर. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज अ केटल. केटल है ये, एंड दिस इज अ कप. अगर हम देखेंगे
केटल एंड कप, केटल एंड कप। अगर आपको मैं बोलूंगी जरा ये केटल को इधर लाओ, तो इस केटल को उठाने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स ज्यादा ही यूज करना है, हमें फोर्स ज्यादा यूज करना है, और हमें इस केटल को उठाने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप ये केटल को उठाओ, तो आपको अपने दोनों हाथों से इस केटल को उठाना होगा, इस केटल को उठाना होगा। वाइल एज ये कप जो है, इट कैन बी इजिली लिफ्टेड, हम इसको इजिली आसानी के साथ हम इसको उठा सकते हैं। कभी आपको मॉम भी बोलती है जरा ये कप इधर लाओ, ये कप इधर लाओ, वो मत बोलती है आपको चाय से भरी केटल इधर लाओ, नहीं, क्योंकि उनको पता है ये भारी है तो आप नहीं उठा सकते हो, इसका वजन ज्यादा है और इसका वजन कम है, इसका वजन ज्यादा है और इसका वजन कम है। सेम इज द केस हियर, मेरे पास है ये लाइट है, क्या है ये लाइट, एक बड़ी सी लाइट है और एक छोटी सी ट्रॉफी है। अगर मैं इस लाइट को उठाने की कोशिश करूंगी तो इसको उठाने में मेरा बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, तो ये क्यों लगेगा, क्योंकि ये वजन में, क्योंकि ये इसका वेट जो है, इसका जो वजन है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। एज कम्पेयर दिस, दिस कैन बी इजिली लिफ्टेड, हम इसको आसानी से लिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको भी बोलूंगी तो आप भी इसको उठा सकते हो, लेकिन आप इसको उठा नहीं सकते हो क्योंकि ये भारी है, क्योंकि ये भारी है। तो हैवी मीन्स भारी, हैवी मीन्स भारी, कशिर पर्ट गुब, इस गुब छासा, हम कभी बोलते हैं ये बहुत भारी है, ईश्वरिया गुब बहक नहीं तुल, तो वो चीजें जिनको आप आसानी से नहीं उठा सकते हो उनको हम हैवी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स। एंड जिनको हम आसानी से उठा सकते हैं, जिनके लिए हमें ज्यादा फोर्स की, ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनको हम लाइट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स। लाइट मीन्स हल्के, ये हल्का है, ये हल्का है। नाउ फोकस ऑन योर टॉपिक हियर, नाउ टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट्स, टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट्स, आपको जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है उनको टिक करना है। आपको क्या लग रहा है, ये यहाँ पे मैंगो और पपाया है, मैंगो और पपाया आपने देखा है, आपने खाए भी होंगे, तो आपको क्या लग रहा है मैंगो ज्यादा भारी होता है, अगर हम एक मैंगो लेंगे और एक पपाया लेंगे, आपको क्या लग रहा है मैंगो ज्यादा भारी होगा क्या पपाया? ऑब्वियसली पपाया ज्यादा भारी है, तो पपाया को करना है आपको टिक। नाउ दिस इज अ बुक, दिस इज अनदर बुक, आप देखिए ये जो बुक है ये थिक है, थिक मीन्स मोटी है, फैट है, फैटी है, मोटी है, और ये थिन है, बेचारी लीन है, तो आपको पता है जो मोटा होता है उसका वजन भी ज्यादा होता है और जो बेचारा पतला होता है उसका वजन कम होता है, तो ये मोटी बुक को उठा आप ज्यादा अच्छे से उठा नहीं, कैरी नहीं कर सकते हो, और ये पतली बुक को आप कर सकते हो, तो हैवी कौन है, दिस वन, सो टेक दिस वन। ऐसे यहाँ पे है, ये है चिप्स का एक बड़ा बैग है, क्या है, बैग है, और ये आप समझो ये 5 या 10 रुपए का लेज है। अगर मैं आपको बोलूंगी जरा बोरी में लेज लाओ और छोटे पैकेट में लेज लाओ, तो आप छोटे पैकेट वाला लेज ला सकते हो, लेकिन बोरी वाला लेज आप, चिप्स आप नहीं उठा सकते हो, आप बड़ी बोरी मत उठा सकते हो, तो क्यों नहीं उठा सकते हो, बिकॉज दैट इज हैवियर, दैट इज हैवियर, उसका जो वजन है वो ज्यादा है, तो आपको इसको टिक करना है। सेम इज द केस हियर, आपको लाइटर ऑब्जेक्ट्स को करना है टिक, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को करना है टिक। यहाँ पे एक छोटा बॉक्स दिया गया है और एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया है, थिन एंड थिक, फैट, तो आपको लाइटर को करना है, लाइटर मीन्स हल्का, तो आप किस वाले को करोगे, ऑब्वियसली दिस वन, नाइस। अब यहाँ पे भी टू एनिमल्स दिए गए हैं, एक है, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस, यस दिस इज एन एलिफेंट एंड दिस इज अ रैट, तो आपको पता है जो एलिफेंट होता है वो बड़ा जानवर होता है और उसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, एज कम्पेयर टू दिस रैट, रैट बहुत छोटा होता है बेचारा, तो इसका वेट ज्यादा नहीं होता है, तो आपको लाइटर को करना है टिक, तो आप किसको करोगे, रैट को करोगे, वेरी नाइस। नाउ हेयर आर टू थिंग्स, एक गिफ्ट बॉक्स है और एक फिदर है, फिदर कहते हैं हम जो ये बर्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो फेदर होता है उनके ऊपर, या तो कशर पर जत छुवाना, तो वो जो फिदर होता है, अगर हम एक फिदर लेंगे तो उसका वेट बहुत हल्का होता है, अगर हम उसको उठा लेंगे तो इजिली कैरी कर सकते हैं, वाइल एज ए गिफ्ट बॉक्स इससे भारी ही होगा। सो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द लाइटर ऑब्जेक्ट, सो ऑब्वियसली यू विल टेक दिस वन।
सो माई डियर किड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक प्रिटी वेल. आपको अच्छे से समझ आया होगा वट इज हैवी एंड वट इज लाइट. सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.